हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अलग अलग विभागों में आई हुई वैकेंसी जो कि केंद्र और राज्य सरकार की गवर्नमेंट जॉब रहेगी। यहाँ पर 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकेंगे अपनी अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी वहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आयु क्या रहेगी, योग्यता, वेतन, सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाती हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो जितनी भी वैकेंसी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लिंक जो है यहाँ पर बिल्कुल हाईलाइट कर दूंगी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, और जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है यहाँ लिंक से देख कर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो विभाग है जिसमें वैकेंसी है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर से ये आई है वैकेंसी, जो कि यहाँ पर नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए है। और अलग अलग जो है यहाँ पर पोस्ट हैं जहाँ पर पोस्टों के नाम जो है वो दिए हुए हैं। ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है, सीनियर हिंदी ऑफिसर की है, यानी टोटल जो है यहाँ पर वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 358 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो अभी हम जो है वो क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, उम्र भी देखेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 20 जून से, और 19 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है, यानी आप लोग जो है वो इसको भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल जो लिंक है दिया हुआ है www.aiimsraipur.edu.in। तो ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर जा सकें। इसके अलावा इन सभी का, जितनी वैकेंसी मैं आप लोगों को बताऊंगी, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। तो इसमें जो है 21 पीडीएफ हैं, जिसमें 12 नंबर जो पीडीएफ पेज है वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है सभी पोस्ट का। तो आप लोग लिंक पर जब जाएंगे तो वहां पर डिटेल में सारी चीजें पढ़िएगा क्या आप लोग एलिजिबल है या नहीं है। तो इसमें जो है ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में जो है चाहिए बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का टीचिंग इंस्टीट्यूशन में जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके अलावा मास्टर डिग्री तो ये डिजायरेबल है, यानी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एज लिमिट जो है यहाँ पर 35 ईयर रहेगी। इसी तरीके से जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पर बिल्कुल दी हुई हैं, और मुझे 10 विभागों के बारे में बताना है यहाँ इस वीडियो में। तो आप लोगों को हर एक जो वैकेंसी है उसका लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग डिटेल ये सब जो है जान सको। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बता दी लास्ट डेट बता दी कि कब जो है वो ये फिल होंगे, तो दोबारा से देख लें आप, 19 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। एज रिलैक्सेशन जो है वो सभी आरक्षित वर्ग को यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं जो कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार की है। यहाँ लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई है, यानी अभी लास्ट डेट जो है वो नहीं आई है, आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म को। एग्जाम जो है इसका सितंबर में होगा, तो इसका जो है वो एग्जाम होगा। वैकेंसी एमटीएस में 1198 के अप्रोक्स है, यानी इससे ज्यादा कम जो भी ये करना चाहें हो सकती है। हवलदार की जो है सीबीआईसी और सीबीएन में 360 जो है वैकेंसी है। रिजर्वेशन भी जो है सभी कैटेगरी को उनके अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाएगा। एज आप देख लें 18 से 25 है एमटीएस हवलदार की सीबीएन में, और 18 से 27 साल है हवलदार इन सीबीआईसी में। इसके अलावा कैटेगरी को सभी को जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल, और उसके बाद इसमें पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल और एससी एसटी 15 साल। ठीक है, और इसके अलावा वुमेन को जो है आरक्षण अलग से ही है, विडो डिवोर्स वुमेन को 35 साल तक, और जो एससी एसटी की है विडो डिवोर्सेस वुमेन उनको 40 साल तक। यहाँ पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। तो यहाँ कट ऑफ डेट जो है ये 1/8/2023, तो तब तक जो है वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इसके इक्विवेलेंट जो है आपने कर रखा हो। ठीक है, तो ज्यादा जो है वो हाई क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं मांगी गई है। तो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कैसे करोगे, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप ssc.nic.in। ठीक है, तो इसकी जो है आप साइट पर जाओगे और आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे की है, तो चलिए फटाफट से इसके नोटिफिकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 जुलाई से जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं।
ठीक है, 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 2 अगस्त तक ये चलेंगे। तो ध्यान से जो है वो सारी डेट जो है वो आप ध्यान में रखें। और चलिए फटाफट से मेन मेन चीज़ें जो है वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो डिवीज़न है, जैसे हुबली डिवीज़न है, यहाँ पर फिल्टर वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक की है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 125 जो है यहाँ पर वैकेंसी है। और इसके अलावा जो है कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली, यहाँ पर 112 वैकेंसी है। बेंगलुरु डिवीज़न में 112 वैकेंसी है, मैसूर डिवीज़न में 91 है, सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर में 23 है। कुल जो है वो 900 तक जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद जो है वो हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 15 साल जो है कंप्लीट होना चाहिए और शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज, 15 से लेकर 24 तक के। एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा यहाँ पर 5 साल का SC ST, 3 साल का OBC को, और डिसेबिलिटीज जो पर्सन है उसको अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सड बाय 10 ईयर, 10 साल की जो है यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th 12th जो है यहाँ पर मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ। पेमेंट ऑफ फीस जो है क्या रहेगी, तो एप्लीकेशन अब करोगे आप तो 100 रुपये जो है वो आपका यहाँ फीस रहेगी। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगी, कई बच्चे जो हैं ये पूछते रहते हैं कि लिंक जो है वो शेयर करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की आई हुई है। और आप सभी को पता है इसका जो है वो बिल्कुल डिटेल में वीडियो मैंने बनाया था, जहां पर प्राथमिक विद्यालय जो है वो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो है वो 79,943 वैकेंसी आई है। वहीं माध्यमिक विद्यालय 9वीं से 10वीं तक पढ़ाने के लिए यहाँ पर 32,916 वैकेंसी आई हुई है। वेतन जो है 31,000 प्रति माह आपको दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय 11वीं 12वीं की बात करें हम, तो जितने भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दिए गए हैं इनमें सभी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको पता है प्राथमिक विद्यालय के लिए सी टेट और बी टेट दोनों मांगा गया है, यानी अगर आपने केवल सी टेट कर रखा है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 1 से 5वीं तक के टीचर्स बनने के लिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 50% अंकों के साथ जो है 12th और 2 वर्षीय डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र में, या फिर 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो अगर आपने 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक और BEd कर रखा है, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 2 वर्षीय डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र में कर रखा है, या आपने स्नातक और साथ में जो है BEd किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है भारत के किसी भी राज्य से हैं अगर आप, तो अभी डेट इसकी नहीं निकली है, यदि आप भरना चाहें तो भरिएगा, क्योंकि पोस्ट जो है वो काफी है, यहां पर 1,70,000 से भी अधिक पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने न्यूनतम 55% अंक के साथ जो स्नातक, तो यानी कि MA कर रखा है, MSc MCOM कर रखा है, और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना है 1 to 5 के टीचर्स बनने के लिए यहाँ पर अगर आपने CTET कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय के अध्यापक बनने के लिए केवल बिहार के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामान्य विषयों के नौवीं दसवीं को पढ़ाने के लिए जो 50% अंक के साथ आपने शिक्षा में ग्रेजुएशन और BEd आपने किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैथ के टीचर आप बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और रसायन, तो इनमें से कोई 2 विषय आपने ग्रेजुएशन में कर रखा हो। साइंस में अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, इसमें आपने स्नातक किया हो। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान में अगर आपको आप फॉर्म भर रहे हैं, भरना चाह रहे हैं, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, किन्हीं 2 विषय में जो है वो आपने पास कर रखा हो। भाषा से संबंधित अगर विषय है आपका, तो वहां आपकी जो है यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो केवल बिहार के स्टूडेंट के लिए है, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए नहीं है। 11th 12th में भी अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल प्राथमिक जो विद्यालय है वहां के अध्यापक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11वीं 12वीं कक्षा के लिए बिहार के स्टूडेंट जो है वो MA BEd साथ में 45% अंकों के साथ। यहाँ पर 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी और मैथ, इनकी भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं।
आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष मांगी गई है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु मांगी गई है 21 वर्ष। ठीक है, तो याद रखना है 1 to 5 का टीचर बनने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, और यहाँ पर बाकी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर 21 वर्ष जो है वह न्यूनतम है, और अधिकतम की अगर हम बात करें तो 37 ईयर है। एज रिलैक्सेशन जो है वो सभी को मिल रहा है, यहाँ पर एस सी एस टी कैटेगरी महिला अनारक्षित महिला जो है वो 40 साल है, सॉरी 40 साल है, और इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों एस सी एस टी के 42 साल है। इसके अलावा जो रिटायर्ड हैं वह 60 साल है। ठीक है, तो आयु सीमा में जो है छूट दी गई है। यहाँ आपका एग्जाम होगा, किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, और एग्जाम भी जो है इतना कठिन नहीं होगा, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर यही आपका पूछा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जो है वो काफी समय हो गया है, ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, बच्चों ने फिल भी कर लिए हैं, यदि आप अभी भी इच्छुक हैं तो डेट नहीं निकली है, 12 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन जो है वो इतना अधिक नहीं किए गए हैं, अभी भी जो है वो काउंटिंग में मैंने देखा है कि जितनी वैकेंसी है 1,70,000 वैकेंसी है, तो इतना अधिक जो है वो बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं डाले हैं जितने डालने चाहिए। वहीं पर हम एक और वैकेंसी की बात करते हैं जो कि राजस्थान की है, ये वैकेंसी जयपुर की राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान। तो एप्लीकेशन जो है वह लास्ट डेट जो है वह 21 जुलाई है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है, जहां पर ईसीजी टेक्नीशियंस के 241 पदों पर जो है वो वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा जो है वो पदों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो साइट, अगर किसी को जाना है तो ये दोनों साइट जो है वेबसाइट दी हुई है, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, बता दूंगी आपको कि कहां से जो है वो आपको इनके बारे में पता चल सकता है। उम्र की अगर मैं बात करूं तो यहां पर उम्र जो है वो 18 से 40 साल तक के उम्मीदवार जो है यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और चयनित उम्मीदवार जो होंगे वो नौकरी जो है राजस्थान के किसी भी जिले में लग सकती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ सैलरी जो है वो काफी अच्छी है, और 32,300 रुपए से लेकर 85,500 रुपए तक जो है यहाँ सैलरी आपको मिलेगी। आयु सीमा में छूट भी यहाँ दी गई है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो 5 विभाग हैं उसकी वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।